क्या कर रहे तुम यार? सर, पुलिस विभाग ने NHAI को नोटिस जारी किया है, क्या पूरा मामला है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे जो आपदा आई है उन दौरान काफी स्लाइड्स आया है NHAI 4, NHAI, NH5 पे, और आप देख रहे हैं कि काफी समय से जो स्लाइड जहाँ से आया है और मेन जगह में स्लाइड आया वो हटाए नहीं गए हैं। स्पाटू रोड के पास, जो सपरून के पास, काफ़ी समय हो चुका है, वहाँ से कोई भी स्लाइड अभी हटाया नहीं गया है। और इस संदर्भ में हमने नेशनल हाईवे से भी संपर्क किया, जिन्होंने बोला कि ये स्लाइड जो है NHAI वाले ही हटाएंगे। उनसे टेलीफोनिकली भी कई बार बातचीत की गई है, और साथ ही जो परमाणु से लेकर के सोलन तक जो स्लाइड आए उसमें डाइवर्शन बोर्ड भी कई जगह नहीं लगाए, जिस वजह से जो है दुर्घटना होने की बड़ी संभावना है। और इस संदर्भ में उन्हें स्पष्ट रूप से लिखित रूप से लिखा गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना इन वजह से हुई तो जिसके लिए NHAI वाले ही रिस्पॉन्सिबल है, और इस संदर्भ में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट हुआ होगा तो NHAI के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने इस संदर्भ में जो है SP साहब के माध्यम से जो है उन्हें जो है लेटर लिख लिया गया है। और सपरून में आप देख रहे काफ़ी समय से स्लाइड आया है जो अभी तक हटाया नहीं गया, जिन्होंने अभी आज भी बात की है, उन्होंने बोला एक दो दिन में इस स्लाइड को हटा दिया जाएगा। सर, कितने पॉइंट ऐसे जो आपने चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पर मलबा गिरा हुआ, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखी है वहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, उसे हटाया नहीं गया है, और स्थिति परमाणु से लेकर केतरी घाट तक बनी है? नहीं, वो तो चिन्हित तो काफ़ी पॉइंट है, फिर भी जो डेंजरस पॉइंट है जहाँ पे जैसे कोई अभी एकदम हटाना उनके लिए भी वाजिब नहीं है अब, पर हम वो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे कोई 5-6 पॉइंट्स है जिनके बारे में उनको अवगत करवा दिया गया है, और वो कह रहे हैं 1-2 दिन में हम इन्हें जो है हटा देंगे। और डाइवर्शन बोर्ड जो ज़रूरी है ताकि जो ड्राइवर वगैरह आते हैं, जो गाड़ियाँ आते हैं, उनको पता चले कि किस दिशा में हमने जाना है, वो डाइवर्शन बोर्ड इन्होंने कई जगह नहीं लगाए हैं। जो ये कह रहे हैं कि आज या कल तक ये पूरे लगा दिए जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सुबाथू रोड का जो एंट्री पॉइंट है जहाँ पर बहुत जुलाई के महीने में भूस्खलन हुआ था, और जब बारिश हो रही तो बार बार वहां पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है और होता भी है, कई पत्थर वहां पर हवा में लटके हुए हैं, तो उसको लेकर भी उनको निर्देश दिए हैं? नहीं, इस संदर्भ में सब कुछ लिखा गया है, अभी 5-6 दिन पहले उनको लेटर जो है पूर्ण रूप से लिख लिया गया है। अगर कोई भी दुर्घटना इस तरह की होगी उनके लापरवाही की वजह से, हमने इसलिए जो है उनको अवगत पहले करा दिया गया है, अगर कोई कैजुअलिटी होगी या कोई किसी तरह से फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट होगा उसके लिए वो जिम्मेवार खुद है। 4 लेन पे जितने भी हादसे होंगे उसके लिए NHAI जिम्मेवार होगा? नहीं, 4 लेन पे हादसे जितने भी होंगे पर उनकी लापरवाही की वजह से होंगे, जांच में उनकी लापरवाही रोड आए, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, चक्की मोड़ पे स्थायी सड़क का क्या प्लान बताया जिन्होंने? वो तो वही NHAI वाले बता सकते, पर अभी चक्की मोड़ जो है पूर्ण रूप से जो है चला हुआ है, सिंगल नहीं डबल लाइन में चला हुआ है। सर, कई बार उसको रात को बंद किया जाता है, तो किस तरह की वहाँ पे कार्रवाई रहती है और किस तरह लोगों को? जैसे रात को कई बार जो है कोई बारिश वगैरह है बंद किया जाता है, तो वहाँ पे जो है पुलिस के कर्मचारी दोनों साइड तैनात किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक रेगुलेट हो सके और किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। सर, 2-3 जगह पर अभी भी सड़क धंसी हुई है, चाहे पुलिस लाइन की बात करें या दतियार के से पीछे भी है, तो उसको लेकर भी NHAI को कहा गया कुछ? नहीं, इस संदर्भ में उसमें लेटर में कहा गया कि जो भी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है उसको जल्द से जल्द जो है क्लियर किया जाए उसे। ठीक है।